नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शाफनी पटनायक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में। जी हाँ, 25 मई को जौनपुर में चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम मताधिकारी जो है अपने मतदान के लिए तैयार हैं। जौनपुर की बात की जाए, काफी रोचक है ये, क्योंकि इस बार का चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? 2014 से शुरुआत कर लेते, जो 2014 में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में बसपा और सपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। और अब 2024 की अगर बात कर ले तो इस बार का चुनाव काफी ज्यादा रोचक इसीलिए होने वाला है क्योंकि धनंजय सिंह बाहर आ चुके हैं और उनका समर्थन जो है वो बीजेपी के लिए इस बात का ऐलान कर दिया गया है। बाहुबली नेता भी है धनंजय सिंह, और ऐसे में धनंजय सिंह के मैदान में उतरकर बीजेपी को खुलेआम में समर्थन देने पर क्या समीकरण बैठेगा, और उसके साथ ही जौनपुर वासियों के मन में क्या है, किस प्रत्याशी को वो अपना वोट देंगे, मौजूदा सांसद ने क्या कुछ काम किया है, और आने वाले समय में जो सांसद होगा उनसे उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये आज हम सभी से बात करके जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राखी सिंह है। बीजेपी समर्थक तो आप पहले से ही दिख रही है। बिल्कुल है, क्योंकि हम इसके लिए जो है वचनबद्ध हो गए हैं, क्योंकि देखिए हम ही नहीं, हमको जहां तक दिख रहा है, जैसे अभी आपने कहा ना कि धनंजय जी का आपने नाम लिया सांसद जी का, देखिए जो राम को मानेगा, जो राम के बारे में जानेगा, जो सच में कहते ना श्रद्धा पूजा अर्चना समझता है, क्योंकि वो सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। पहले हमारे बच्चों को दिया जाता था, पहले उठ के सिखाया जाता था कि बेटा ये पूजा कर रहा है, आजकल कहाँ है, सब चीज खत्म हो रही है। लेकिन जो मानेगा वो हमारा समर्थन जरूर करेगा। और भाजपा जितना विकास कर रहा है, देखिए कह दिए ना कि मानने वाली बात है, जिगर रहेगा तो वो मानेगा, जिसके पास जिगर नहीं वो नहीं मानेगा, वो झूठ ही समझेगा। लेकिन भाजपा जो विकास कर रही है, देखिए आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, कभी इसमें आके हम लोग सफाई भी करते थे, मोदी जी की योजना थी स्वच्छता अभियान, उसमें आके हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक भी नहीं है, नदी साफ किए हैं, आज देखिए उस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये विकास ही है। और उस विकास के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमारे देश का विकास, हमारे बच्चों का विकास। एक बार के लिए मैं बता दूं कि जहाँ पर हम मौजूद है, गोमती नदी के पास हम लोग मौजूद है, तट पर है, काफी ज्यादा तस्वीरें जो है समय के साथ यहाँ पर बदली हुई है, लेकिन वाकई में तस्वीरें कितनी बदली यहाँ के लोगों से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि तमाम बातों को मानने के लिए जिगर की जरूरत है, आप में है? बिल्कुल है, हमारे में भी है, जनता में भी है, जनता देख रही है विकास हो रहा है। आज विकास ना होता तो यहाँ पे होता? सबसे पहला तो मुद्दा ये है हमारा कि महिलाएं सुरक्षित है। महिलाओं को आप देख लीजिए, गैस चूल्हा से लेके राशन तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ के सांसद की बात की जाए, श्याम सिंह यादव जी है, उन्होंने 5 साल में कितना काम? उन्होंने कुछ हमें तो कोविड में वो आज तक नहीं आए। अब ये मुद्दा एक एक नया नया सपा वाले, ये जो आम जनता वाले, ये जो ये एक ही बात एक ही मुद्दा लेके बैठते हैं, अब नया मुद्दा लेके बैठ गए अखिलेश यादव जी के, ये कि कहते हैं कि बताओ ये कोविड का जो इंजेक्शन लगा है, अब इस इंजेक्शन में कोई हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई सबसे बड़े तो बीजेपी के हम नेता खुद है, कार्यकर्ता है, मैंने खुद लगवाया मैडम, हमें तो कुछ नहीं हुआ, मेरे पति ने लगवाया 3 साल, उस बात को होगी मतलब कोई भी अभी हमें नहीं सेंटर अभी देखिए मैडम, अभी हम एक डिबेट पे गए थे, उसमें कोविशील्ड जिस कंपनी ने बनाया उन्होंने माना है कि इससे हो रही है, नहीं तो माना तो जो आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम है, अब पहले से आप बीमार हैं, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को बदन दर्द की प्रॉब्लम है, अब उसी में इंजेक्शन लगाया है, वो तो सुरक्षा के लिए आपको लगाया गया, आज प्रधानमंत्री आगे ना बढ़े होते तो आप क्या बच पाते आप लोग? प्रधानमंत्री जी ने नहीं लगवाया, उन्होंने नहीं लगवाया, ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री जी ने सबको लगवाया, खुद नहीं लगाया। ये है कि इंजेक्शन मुलायम सिंह ने लगवाया था, अब वो बीमार थे, अब हाँ। वो मरने के करार पे लगे थे, आप बताओ वो कोविड से मर गए? ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी ने देखिए गरीबों के भारत देश है और सब स्वतंत्र है, बोलते रहे मोदी जी को, उन्होंने मोदी जी ने गरीबों के लिए देखिए राशन तक पहुंचाया, आज उनको मोबाइल चलाना नहीं आता था मोदी जी ने वो तक दिया, उन्होंने गैस चूल्हा दिया, आप बताइए स्वच्छ, देखिए जितनी योजनाएं उन्होंने की है, जो कर रहे हैं आगे चल के भी वो जो कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, लौटूंगी। कुछ युवा यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है, आपने वोट किया है इससे पहले? नहीं, पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ पहली बार कर रहे हैं। करेंगे आप? क्या लगता है कि किसका समर्थन आप करेंगे? यहाँ पर जो मौजूदा सांसद है बसपा से, उन्होंने काम किया है? नहीं किया। काम नहीं किया? नहीं किया। तो आपका समर्थन किस ओर जा रहा है? हमारा समर्थन सपा सरकार के लिए। सपा के लिए जा रहा है? आपका सर? हमारे लिए सपा भी, सपा सरकार।
मैम आप यहीं से? जी हाँ। क्या बदली है तस्वीर इसके साथ ही? मौजूदा सांसद ने इन 5 सालों में कुछ काम किया है? किया तो कुछ नहीं है, मगर आपने तो कुछ जौनपुर में कुछ ऐसा लोकेशन दिख रहा है कि वाकई में कुछ होने वाला है, ऐसा तो मेरा सपोर्ट है मोदी जी। ठीक है सर, क्योंकि देखिए कृपा शंकर सिंह जी को उतारा गया बीजेपी की तरफ से, हर और ये कह रहे कि बाहर से बाहरी है, वो बाहर को मौका दिया जा रहा है, स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। मैडम वो कृपा शंकर जी हमारे जौनपुर जनपद के निवासी हैं, तेजी बाजार के पास उनका घर है। वो मुंबई में राजनीति किया करते थे, मुंबई में गृह राज्य मंत्री रहे और उत्तर भारतीयों को उन्होंने मजबूत किया वहाँ मुंबई में, तो उनका फायदा मुंबई में भी मिल रहा है, जौनपुर में भी मिलेगा हमको। ये एक VIP सीट हो गई है, कृपा शंकर जी के आने से यहाँ VIP सीट हो गई मैडम, और ये सीट हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। 1 लाख वोटों से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, 4 जून को रिजल्ट आएगा, हम लोग आपको इमरती खिलाएंगे बेनी साव की। आपका भी क्या कहना है, आप भी इमरती खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे, हमारे तरफ से सपा यहाँ से जीत रही है, गठबंधन अच्छा। की सरकार अच्छा। हाँ तो इसके पहले जो है बीजेपी में हमने देख लिया, जो पूर्ण बहुमत से सरकार थी, हालांकि जौनपुर में तो नहीं थी लेकिन यूपी में थी और मतलब सेंट्रल में तो बनी थी, उसका हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा। ये लोग तो कह रहे कि काफी काम हुआ है, काफी बदलाव हुआ है, जिस तरीके से हमने उम्मीद किया था उस तरीके से कोई ऐसा काम नहीं दिखाई दिया। काम तो करने के लिए हमने सरकार बनाई थी, मोदी जी जीते थे, बिना वोट दिए तो जीते नहीं थे, हमने उम्मीद किया था कुछ लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, धनंजय सिंह के समर्थन के बाद तस्वीर क्या आपको लग रहा है बदलेगी, टक्कर चुनौती सपा के लिए होगी? ऐसा कोई कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर धनंजय सिंह शायद वो खुद लड़ते तो शायद उनका इफेक्ट रहता, लेकिन अगर आप मुझसे हम किसी को वोट देना चाहते हैं, अगर वो मुझसे कहे नहीं इनको दीजिए तो हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर शायद धनंजय रहते तो शायद हम खुद ही धनंजय को देते, लेकिन ये उनका खुद मतलब धनंजय सिंह खुद चुनाव लड़ते तो तस्वीरें कुछ अलग होती। सर आपका क्या मानना है? किस बारे में चुनाव है 25 मई को, ये पता है ना आपको, तो जौनपुर में 5 साल में क्या तस्वीरें बदली है या फिर इस बार जौनपुर वासी बदलाव चाहते हैं? निसंदेह पिछले 5 सालों में जौनपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया की तस्वीर बदली है। बदलाव का रुख यही होगा कि जैसा कि 47 का हमारा है कि विकसित राष्ट्र, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बदलाव चल रहे हैं 47 से पहले विकसित राष्ट्र हमें मिल जाएगा। बहुत खूब बहुत खूब। यहाँ पे और भी अन्य लोग मौजूद है, आम आदमी पार्टी से है, क्या बदलाव आप देख रहे हैं इसके साथ ही, क्योंकि इस बार कड़ी टक्कर है गठबंधन बीजेपी के बीच, उधर बसपा भी कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर रही है, अगर जातीय समीकरण बैठाया जाए जौनपुर की? कोई टक्कर नहीं, एक तरफा इंडिया गठबंधन करीब 1.5 लाख वोटों से यहां जीत रहा है और कृपा शंकर सिंह यहां से विदाई होने वाली है और 2024 नरेंद्र मोदी की विदाई होने वाली है, क्योंकि यह भ्रष्टाचारियों की पूरी पार्टी बन चुकी है। जितने भ्रष्ट नेता हैं यहाँ से लेकर पूर्वांचल से लेकर कश्मीर तक, सब भारतीय जनता पार्टी में, चाहे अजीत पवार को ले लिए जिसको इन घोटालेबाज कहते थे, फिर इन्होंने घोटवालम ले लिया, इन लोगों की यही नीति है, इन लोगों का हारना पक्का है, कहीं कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही बोलते रहे, बोलते बोलते इनके कोमम जाने वाले, जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने 3 बार कोमम दिल्ली में पहुंचाया, स्कूटर पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी दे दिया, अब की 2024 में यहाँ पे इनकी दशा होने वाली भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पे धनंजय सिंह के तो लाखों समर्थक दिख रहे हैं, धनंजय सिंह का अपना समर्थन बीजेपी को दे रहे हैं? देखिए ऐसा है, कोई मतलब नहीं है, धनंजय का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता दूं, किसी का समर्थन कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, एक तरफा इंडिया गठबंधन जीत रहा है और चारों तरफ से सारे सारे वर्ग के लोग इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं, इंडिया हर बार जीती, इस बार भी जीतेगी। ध्यान ही ना देता हूँ सब बोले तो 5 किलो गल्ला मोदी जी किया होते हैं, 28% GST यही चप्पलवा जो खरीद रहे थे 400 का 750 हो गया, ये चप्पलवा जो महंगाई बढ़ी, महंगाई थी चरण सीमा चली गई, वह चप्पल पहले कांग्रेस के राज में 400 का रहा, आज एक कीमत 750 हो गई है, कहाँ से लिया होता मोदी जी 28? अरे तो बाबू कमाई ना अपने देते हैं, नहीं ये गलत बात है, मोदी की विदाई में 400 का लेते थे, 4 दिन पहनते थे, 750 का ले रहे मजबूती के साथ और साल भर पहन रहे। मैडम कि यहाँ जो आज घूम रहे हैं ये लोग, चप्पल ये सुरक्षा हमारे सरकार में हुई, ये देश की सरकार में हुई है, जो आज ये बढ़िया घूम रहे हैं, इनको चप्पल चाह रहा है, विकास नहीं होता तो क्या होता, इनको चप्पल चाह रहा है। ठीक है ठीक है। मणिपुर में महिलाएं नग्न वस्त्र पहनाई गई तब इनकी महिलाओं मैम बोल रही हैं,
कांग्रेस के राज में 10,000 रुपया तोला सोना था, आज मोदी जी के राज में 70,000 तोला चला गया, गरीब पहन पाएगा? आपका क्या कहना है सर, क्या समीकरण बैठ रहा है? क्योंकि अगर बसपा की बात कर लेते हैं, मौजूदा सांसद जो है वो बसपा के है, लेकिन बीजेपी फिलहाल कड़ी टक्कर दे रही है, सपा का वोट काटने की, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में, एक मिनट, सवाल तो सुन लीजिए, चलिए नतीजा आएगा, 4 जून का नतीजे आएंगे, पता चलेगा, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए। देखिए बसपा के तरफ से मौजूदा सांसद है, कहीं ना कहीं लोग नाखुश है काफी ज्यादा यहाँ पे, लेकिन अगर गठबंधन की बात की जाए, सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन है और कुशवाहा जी को उतारा गया है, बसपा की तरफ से कहीं ना कहीं वोट काटने का काम किया जा रहा है, कितनी चुनौती गठबंधन के लिए? गठबंधन को कोई चुनौती नहीं है, गठबंधन निश्चित रूप से चुनाव जीत रहा है यहाँ पर, और बड़ी भारी अंतर से जीत रहा है। इनका हम क्या कहें, जय श्री राम कर, जय श्री राम हमारे भी हैं, और जिन लोग जय श्री राम कहते हैं, जय श्री राम नहीं कहते हैं, सीता का नाम नहीं लेते हैं, केवल राम का नाम लेते हैं, और नहीं नहीं राम तो हमारे है ही है, राम का रजिस्ट्री आपने थोड़ी करवाया है, लेकिन लेकिन अभी तक ये हिंदू मुसलमान करते थे, अब ये परिवारों में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे उनके सगे चाचा शरद पवार जी के अजीत पवार को अलग करा दिया, मेनका गांधी वरुण गांधी को अलग करा दिया, आकाश आनंद को और मायावती जी को अलग करा दिया, ये अब घरों में भाई बहन को, बेटे बाप को अलग करवाने का काम कर रहे हैं। ये अलग कैसे करा सकते हैं, मन में विश्वास हो तो आप कैसे अलग हो सकते हैं? नहीं, मन में विश्वास नहीं, आप जैसे उद्धव ठाकरे जी हैं, राज ठाकरे अलग मन से राजनीति करते थे, लेकिन विचारधारा एक थी, दोनों को अलग विचारधारा। आप अगर एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन सपा में कहीं ना कहीं आंतरिक कलह है, कुशवाहा जी का नाम जब सामने आया, मोरा बिरादरी के लोगों ने इनका विरोध किया, साफ तौर पर कहा कि वो अपने समर्थन वापस ले रहे हैं, तो सपा में भी तो आंतरिक कलह है? आंतरिक कलह कोई भी नहीं है, बहुत मतलब जान लीजिए क्या ऐतिहासिक चुनाव होगा मेरे ख्याल से, और इनकी बात छोड़िए, नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी चुनाव हारने जा रहे हैं। देखिए आपने एक धनंजय सिंह का मुद्दा लिया, धनंजय सिंह एक अपराधी है, वो सुभाष चंद्र बोस के घराने से नहीं है, वो महात्मा गांधी जी के घराने से नहीं है, वोट लेना अलग है, दिलाना अलग है, उनकी हैसियत नहीं है जो वो बैठ के कह रहे हैं कि हम जिता देंगे दोनों सीट। धनंजय सिंह स्वयं लड़ते तो उनको पता लग जाता कि कितने पानी में, लेना अलग है, दिलाना अलग है। जिन्होंने कहा धनंजय सिंह ने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया है, अब आपने बड़ी अच्छी बात कही, स्वर्गीय कमला प्रसाद सिंह, स्वर्गीय राजदेव सिंह, स्वर्गीय हरगोविंद सिंह, स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी, इनके अलावा कोई विकास का एक ईटा रखे हो माइकल लाल बोलना छोड़ दूंगा। बताए ये बड़ा पुल कमलापति त्रिपाठी ने दिया, आज जो कताई मिल जिस पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है कांग्रेस ने दिया, इंदिरा स्टेडियम दिया, उसके बाद वन विहार दिया, उसके बाद पूर्वांचल दिया, तमाम विकास की योजनाएं जो कांग्रेस ने दिया था, आज मोदी जी उसको प्राइवेट करके अपनी जीविका अपने सरकार की चला रहे हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि तस्वीरें बदली है, तस्वीरें बदली है। एक मिनट, अगर ये बताइए उनके परिवार हम सारे परिवार है भैया, उनके लड़के क्यों नहीं है? हम लोग नहीं है, हम लोग उनकी बेटी है भैया, हम लोग उनकी बेटी है, यही तो अच्छा है कि उनके पास परिवार है, हम तो उनके परिवार है मैडम का, जो परिवार परसों दीदी मैंने महंगा लिया, हम लोग मोदी जी का परिवार है, उनके पास परिवार, हम जो जाके जाएंगे वो पूरे देश के, पूरे देश की जनता अपने पत्नी के मंगलसूत्र की गारंटी नहीं, इनकी मंगलसूत्र की गारंटी ले रहा है। मैडम हम कह रहे हैं कांग्रेस के राज में 15 रुपया दूध था, मोदी जी आए 60 रुपया कर दिए, जो बच्चे थोड़ा 5 साल में कम्प्रोमाइज करते हैं वो 7 साल में हो गए, हर जगह महंगाई कांग्रेस, वो कांग्रेस आज गंदी हो गई। मैडम ये कह रहा हूँ कि जो है राशन दे रहे हैं 5 किलो ना, क्या विकास हुआ? हेलो मैडम, 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं आप लोग ना, 5 किलो राशन से धनंजय, 5 किलो राशन कुछ होने वाला नहीं है मैडम, 5 किलो राशन से चल जाएगा, यहाँ से अगर मोदी लगते चुनाव वो भी हार जाते, अपने माँ बाप का कोई सेवा नहीं कर सकता, यहाँ सपा जीत रही है, बहुत अच्छे वोट से दे देंगे, बहुत बढ़िया वोट से सपा। देखिए आप सभी से सिखा दिया कि माता माँ का इज्जत कैसे की जाती है, ठीक है, कुछ ताने भी मौजूद है, आप जौनपुर से,
क्या तस्वीरें बदली, देखिए यहाँ पे तो बट गए बीजेपी वर्सेस गठबंधन हो रहा है। गठबंधन यहाँ चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है। और पहली बात तो मोदी जी ये अपाही वाली जिंदगी खत्म करें, जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार कोई की भी है, मोदी किया है, कांग्रेस से इसे नहीं मतलब है, सरकार कोई किया है, लेकिन सरकार में विकास होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। अगर आप नौकरी देंगे तो हम नौकरी से मकान भी बनवा लेंगे, गल्ला भी भर लेंगे, सब कर लेंगे। और जब आप हमको 5 किलो गल्ला देंगे तो हमको तो आप रोजगार आपका मुद्दा है, रोजगार आपका मुद्दा है। सर आप जौनपुर से हैं, क्या मुद्दा है इस बार, किन किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? कोई मुद्दा नहीं है, सब विकास जोरों पे चल रहा है, बीजेपी जीत रही 4-2। कुछ युवा मौजूद है, बच्चे मौजूद है यहाँ पे, उनसे बात कर लेती हूँ एक मिनट। आप देखिए जौनपुर वासियों में जोश, देखिए एक मिनट, देखिए आपको आवाज नहीं आ रही, किसी के अंदर इतनी औकात है कि राम को लाएंगे? किसी के अंदर इतनी औकात है कि राम जी को लाएंगे? कोई नहीं लाएगा। राम जी तो सदा से हैं, बीजेपी वाले कहा हम राम जी को लाएंगे, बताओ बीजेपी वाले राम जी को लाएंगे? राम को ऐसा है भैया, एक मिनट, शांति। ऐसा है तमाम प्रदेशों में लोकतंत्र का अपहरण करके ये सरकार चला रहे हैं। इनके बगल में देश का सबसे बड़ा रेपिस्ट कर्नाटक में, इनके बगल में खड़ा 400 महिलाओं के रेप का वीडियो उसका वायरल हुआ है, और तब भी ये सरकार बनाने की मांग करते हैं, निश्चित रूप से गठबंधन। ठीक है। तो जौनपुर वासियों के ठीक है। देखिए रात में जौनपुर कोई आ नहीं पाता था, सब यहाँ हकते थे, यहीं पे आवाज यहीं पे सोते हैं। हाँ, हम लोगों ने झाड़ू तक लगाई, हमारे माननीय मंत्री जी की देन है कि यहाँ पे उन्होंने बनाया। भारतीय जनता पार्टी अपील करता है कि घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपने आने वाला भविष्य सुधारें। कैमरा पर्सन रजा के साथ शामिल करता है न्यूज़ 1 इंडिया।